हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेलकम हेल्दी किचन में। तो आज हम सबके फेवरेट रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, जो कि अगर घर में गेस्ट भी आए तो उनको परोसने में भी अच्छा लगता है और वो लोग शौक से भी खाते हैं और आप घर में भी बना सकते हैं। गाइस, हमने यहाँ पर पैन ले लिया है और इसमें हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ पालक। और हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे, मतलब पालक को पूरा गला लेंगे अच्छे से। ये मैंने इसमें डाल दिया है पालक, और मैंने यहाँ पर मिर्च ली है, तो आप जितना तीखा चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पर मिर्च डाल सकते हो। मैंने एक ही मिर्च ली है और इसे थोड़ा पानी के अंदर करके हम इसे ढक देंगे ताकि हमारा पालक जो है अच्छे से गल जाए। तो हमने इसे ढक दी, तो हमारा पालक यहाँ पर बॉईल होके तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। गाइस, अब हम पालक को मिक्सी के जार में डाल रहे हैं और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने ले लिया है पैन, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, और हम इसे थोड़ा भून लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज। हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को ब्राउन होने तक। ये हम थोड़ी से ब्राउन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और ये मेरी प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुकी है, ये भुना चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का प्यूरी, ये मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिया है। और हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जैसे कि मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। और अब हम इसे अच्छे से चल मिला देंगे। और इसे अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो गाइस, हमारा मसाला भून के तो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे अपना पालक जो मैंने पीस के रखा है। ये देखो, ये पालक हम लोग इसमें डाल दिए हैं। तो हम लोग इसे थोड़ा चला देंगे और इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। और इसमें हम स्वाद अनुसार पालक का नमक डालेंगे। तो मैंने इसमें स्वाद अनुसार पालक का नमक डाल दिया है, थोड़ा सा काला नमक भी मिक्स कर देते हैं। और ये हमारा हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ हमने पनीर के पीसेस ले लिए हैं, ये हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। और हम इसे अच्छे से एक बार और मिक्स कर देंगे और हम इसे अगले 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे।
इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो गाइस अब हम हमारा पालक देखेंगे, ये देखो ये कितना अच्छा पालक पनीर बन के तैयार हुआ है हमारा। इसकी देखो ये कितना अच्छा है, इसमें ग्रेवी भी इसकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो हमारा ये ऑलमोस्ट पालक पनीर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा छौंक डाल देंगे। तो छौंक के लिए मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक, लाल मिर्च, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और मैं इसमें छौंक लगा दूँगी। तो गाइस हमारे आज की पालक पनीर बनके तैयार है, आप लोग भी बनाना और ट्राई ज़रूर करना, ये 100% आपको टेस्टी लगेगा। और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।